नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपको लेकर आई हूँ वो करंज का पौधा है, और इसको आप देख रहे होंगे कि एक आयरन के इसमें लगाया गया है। तो क्यों ऐसा इसको अब सेव किया जा रहा है, क्या इसके गुण पता चले हैं लोगों को, कि ताकि इस पेड़ को भी महत्व दिया जा रहा है, इसी पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, ऐसे करंज के बहुत तरह के वैरायटी है, जिसमें वृक्ष करंज, पुती करंज, लता करंज मुख्य रूप से होते हैं। इसमें अभी फ्लावर तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन इसके फ्लावर सफ़ेद या गुलाबी कलर में होते हैं। और इसको अगर आपको खोजनी हो तो आप पोगेमिया पिनाटा के नाम से खोज सकते हो। ये फैबेसी फैमिली का है, और हमारे बहुत सारे रोगों में ये रामबाण का काम करता है। दवा के रूप में ये बहुत फायदेमंद है। पहले मैं कुछ बीमारियों का नाम ले लेती हूँ जिसमें ये फायदेमंद होता है। जिसमें आपका है दिल, लीवर, मुहासे, गर्भाशय में सूजन, सर दर्द किसी को हो, बुखार हो, उल्टी या पेचिस हो, यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो, चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो, तो खुजली हो, घाव पित्त हो, या किसी तरह का विष का असर हो गया हो, किसी कीट ने काट लिया हो, साथ ही बवासीर, कफ, वायु रोग, आँख और दांत में भी यह बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं, थोड़ी सी मैं उस पर भी बात कर लेती हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी नाम और भी आपको बता दूँ। इसको पुष्पक गुच्छे में इसमें फूल आते हैं, इसलिए गुच्छ पुष्पक, करंजवा, कोनिया, पुमंग, कंजी, सुखचैन इत्यादि बहुत सारे ढेरों इसके नाम होते हैं। इसके बीज कड़वे होते हैं और पत्ते दुर्गंधपूर्ण होते हैं, हल्की सी दुर्गंध उसमें से आती है, लेकिन फूल में हल्की सी सुगंध ही होती है। ये गंजापन में, और इसमें आपको तेल इसका फायदेमंद करता है। तेल लगाने से इसके सीड से तेल बनते हैं, करंज के तेल आप ले सकते हो। उससे आपका जो गंजापन हो या बाल आपके झड़ रहे हो तो उसमें फ़ायदे होते हैं। साथ ही इसके तेल को अगर थोड़ी सी पी जाए तो पेट के कीड़े मर जाते हैं। सांप, बिच्छू वगैरह अगर काट ले तो इसके पत्ते, बीज और जड़ को, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको पीस कर आप पेस्ट बना कर लगा सकते हैं। इसके तेल को लगाने से आपके बाल खूबसूरत घने होते हैं, और चेहरे में झाइयाँ वगैरह हो या कोई धब्बा हो, काले काले स्पॉट हो, तो वो दूर हो जाते हैं। साथ ही अगर आपके घुटने में या कहीं भी दर्द हो, उसमें भी इसके तेल फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, इसकी जड़ जो होती है, करंज की जड़ आपको जो नपुंसकता होती है पुरुषों में, उसको दूर करती है। साथ ही महिलाओं में जो बाझपन होता है उसको भी दूर कर महिलाओं को ये माँ बनाने का काम करता है हमारा करंज। दोस्तों, करंज के बीज को आप अगर दूध में पीस कर चेहरे पर लगाते हो तो आपका चेहरा चमकने लगेगा और झाइयाँ वगैरह जो होगी वो दूर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी को लकवा का अटैक हुआ हो तो उसमें करंज के फल को गौमूत्र में पीसकर आप उसको लगा सकते हो, वो भी फायदा करता है। इसके साथ ही मैं कुछ और आपसे चर्चा कर दूं। आप इसके बीज को, करंज के बीज को पलाश के फूल का रस का बत्ती बना लें, और उससे आँख में फायदा होता है। साथ ही दांत के लिए तो ये बहुत बड़ा रामबाण है, और ये मेरे पड़ोस में एक अजमा भी रहे हैं, और अजमा रहे हैं क्या उनका ठीक हो गया है।
दांत में आपको किसी तरह के कीड़े या परेशानी हो तो आप इसके पत्ते को सुखा कर या जला कर उसमें थोड़ी सी नमक, साधारण नमक या सेंधा नमक मिलाकर राख बना लो और उससे दतमंजन किया करो। साथ ही इसके जो डंठल है उसे आप दातून का काम कर सकते हैं, वह भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब अगर किसी की खांसी हो, कुकर खांसी हो जो छूट नहीं रही हो, तो 1 से 3 ग्राम तक करंज का बीज यानी बीज का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर अगर चाटा जाए तो कुकर खांसी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसके पत्ते का काढ़ा बनाना तो आप लोग जानते हैं, वो काढ़ा बनाकर अगर लिया जाए तो उल्टी दूर हो जाती है, साथ ही जो अपच होती है पेट में और अरुचि होती है, भोजन खाने का मन नहीं करता है, उसमें भी काढ़ा फायदेमंद होता है। दोस्तों, 2 ग्राम करंज का पत्ता घी में भूनकर उसे सत्तू में मिलाकर भोजन से पहले लिया जाए तो आपका बवासीर ख़त्म हो जाएगा, और पत्ते को पीसकर मस्से पर लगाया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। करंज की जड़ को निकाल लें, उसका रस निकाल कर भगंदर पर लगाएं तो ठीक हो जाएगा। साथ ही जो यूरिन में प्रॉब्लम होती है जिनको, वो फूल का काढ़ा बनाकर 10 से 15 मिलीग्राम 2 बार लें तो उनका पेशाब में जो परेशानी है, यूरिन में जो परेशानी होती है, वो दूर हो जाएगी। और आप इसको पहचानने के लिए आप इसको देख सकते हो, इसके पत्ते किस तरह के हैं, मुझे पकड़ में भी नहीं आ रही है, बहुत ऊंचे पेड़ हैं। आप इसके पत्ते को पहचान लो। हालांकि मैं अभी आपको फ्लावर और बीज शेयर नहीं करवा पा रही हूँ, इसमें जब फल और बीज आएंगे तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो आप भी इसका उपयोग करें और जहाँ पर आपको परेशानी हो आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।